Hello friends, I'm Prithviraj Singh and I warmly welcome you to my channel Tutorial. Today, we will also discuss about a very important topic and a subtopic for oceanography for MCQs in VVM NLE and the topic is construction of the third research base in Antarctica, which was uh, that's name was Bharati. And we will discuss about the pre-construction plans to the construction over and the facilities that are provided there and the institutions involved and the, all these things so get stuck to the end of the video if you want to be detailed in this section so if you are new to this channel you should subscribe it for further studies and if you like this video then you can like it and if you have any problem related to anything and uh, related to my videos of course and you can also recommend me in the comment box the video which you want i will surely make it and so let's start and begin our session so firstly i would like to tell you that the action and here is in my notebook i have written roughly some study materials from official websites and and this is a government website so you can trust this information as well so let's start the action for the pre-construction work at larseman hills environs has been completed uh, most thing is in here firstly i will give introduction introduction is that uh, the environs are larseman hills okay larseman hills and here we have constructed our third research station भारती okay भारती अब हम आपको बताने वाले हैं कि भारती को construct करने के लिए जो construction materials थे वो किस प्रकार ले जाए गए थे वहाँ पर तो यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स थे और जो भी कार्गो थे अब यहाँ आपको मेन बात ये देखनी है कि कार्गो हम किसे कहते हैं तो कार्गो जो है वो होता है गुड्स लाइक लगेजेस एनी टाइप ऑफ थिंग्स विच आर कैरीड विच आर कैरीड बाय वाटर एयर और लैंड वाटर, एयर और लैंड सो नाउ वी हैव न्यू अबाउट व्हाट इज कार्गो सो

तो अगर आपने वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया तो मेरा अगर गुड्स था तो मैं आपको मनी पे करूंगा तो उस मनी को हम कहते हैं फ्रीट इस केस के लिए स्पेशल ये टर्म कॉइन किया गया है अब हम आगे डिस्कस करेंगे आ, कैसे ये ले जाया गया था आइदर एक हेलीपैड बना हुआ है उस एंटार्क्टिका में ही हमने एक हेलीपैड का, का कंस्ट्रक्शन किया है वहां पर दो हेलीकॉप्टर्स के द्वारा ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और जो भी थे रिक्वायर्ड वो हम ले जा सकते हैं टू हेलीकॉप्टर्स आई मीन ले जा चुके हैं हेलीकॉप्टर्स और हम आइस पे जो फास्ट आइस उसका नाम क्या होता है व्हीकल्स ओवर द फास्ट आइस ऐसे ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वेबसाइट पर भी तो व्हीकल्स जो फास्ट आई आए, मतलब आइस पर फास्टली जो व्हीकल्स चल पाते हैं उनसे भी हमने अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भेजे हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक 250 मीटर लॉन्ग रोड है लैंडिंग साइड अप हेलीपैड वाज आल्सो कार्ड आउट मतलब हेलीपैड से एक 250 मीटर का रोड निकला हुआ है ओके दैट विल द हेलीकॉप्टर 250 मीटर्स का हमारे पास एक रोड है कार्व आउट हमने आइस में से उसे कार्व आउट किया है अब आगे हम डिस्कस करेंगे द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और यहाँ देखने की बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास तो हमने इन्हें जैसे बड़े सेशन को मैं डिवाइड करता हूँ पार्ट वन पार्ट टू में एज दिस इज पार्ट टू एंड सो दे हैव आल्सो डिवाइडेड दिस कंस्ट्रक्शन वर्क्स इनटू सम फेजेस एंड सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन फेजेस एंड डोंट वॉरी वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द फेजेस इन दिस वीडियो और मैं आपको बता दूं एक टर्म आना चाहिए ऑस्ट्रल समर uh, मैं इसे वाइप कर देता हूं ऑस्ट्रल समर में ही ये काम जो है वो शुरू हुआ था स्पेलिंग नोट डाउन कर लीजिए ऑस्ट्रल समर आई थिंक दैट कैन बी न्यू टर्म फॉर यू ऑस्ट्रल समर समर इन द साउद हेमिस्फेयर समर इन द साउदन हेमिस्फेयर तो जब साउदर्न हेमिस्फेयर में समर आता है तो हम उस समर को कह सकते हैं ऑस्ट्रल समेमस्फेयर ओके एंड नाउ ऑफ 2011 ओके okay. ऑफ 2011 ये फेज़ टू कंस्ट्रक्शन वर्क जो था वो शुरू कर दिया गया था जो साउदन एमिसफेयर का समर होता है 2011 में तो उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो कि एन ही इसमें लीडिंग और इंस्टीट्यूट है जो मेनली इन्वॉल्व है ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एन अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी पार्ट वन तो आपको ये पता होगा एन सी पी ओ आर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहां पर ज्यादा नहीं सिर्फ फोर पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के सो so हम इसे डीपली समझने की कोशिश करेंगे ओके द फर्स्ट इज कमिश्निंग ऑफ द रिसर्च बेस कमिश्निंग का मतलब मैं आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था लेकिन मैं इस बार भी बता देना चाहता हूं कमिश्निंग ऑफ द आई हैव टू राइट फास्ट सो दैट दिस वीडियो डजेंट गो टू मच लॉन्ग एंड द सेकेंड नंबर इज इस्टैब्लिशिंग इस्टैब्लिशिंग द लैब्स यहाँ पर मेरा लेबोरेट्रीज़ को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लैब्स लिखा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ establishment of necessary communication of necessary communication communication uh, facilities facilities i am reading it out so that you have no problem to read it from the video and writing it down in a copy initiation Initiation of scientific okay, initiation of scientific studies studies from the from the new Indian base. That's it, our objectives are over.

हमने पूरी तरह से फुलफिल किया प्रिपेयर किया उसे हमने पहला ऑब्जेक्टिव माना और सेकंड है उसमें उस जैसे कि हमें यहाँ रिसर्च करना है तो लैब्स होने बहुत ही जरूरी हैं आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट जो हैं अक्सर लैब्स में ही अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करते हैं तो ये लैब्स हो गया और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेसेसरी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ तो एज़ दैट इज़ नॉट इंडिया दैट इज़ एंटार्क्टिका सो वी शुड प्लेस और सेट अप अ कम्युनिकेशन सिस्टम

मतलब जैसे लैब्स का निर्माण हो गया अब किस बात की देरी की जाए तो उन्होंने साइंटिस्ट ने श्री गणेश किया किस चीज़ का रिसर्च वर्कस का तो इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना तो हमने ऑब्जेक्टिव जान लिया अब हम सेकेंड लीडिंग इंस्टीट्यूट जानेंगे जो कि मैं एक लाइन में यहां लिख देता हूं एन सी पी ओ आर जो मैंने आपको पहले भी बताया है यही जो है ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ही ये काम था मगर एज इट इज़ मिनिस्ट्री and it has to work every aspect about earth science and this is uh binded to a polar research am i right because it's the south pole not a whole environment so ministry has given this task to ncpor national center for polar and oceanic research this conducts only polar researches and oceanic researches and now we will discuss about our third one. Uh, third one is implementation plan. Uh, it can be uh, a quite long, so don't worry. Uh, sorry, sorry guys, my phone has dropped down. that is a very funny thing. why it's falling down? it has not fallen down never before. Okay, now I will not quit this video because we have not much time, and as I am also preparing for VVM, so I have also to take time to make videos for study material, and also my preparation is very important. So, now C number implementation plan. Implementation plan.

तो यहां पर जो प्लान हमने किया है उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है और हम क्या क्या एग्जीक्यूट करेंगे इसमें आपको मैं वो बताना चाहूंगा तो वन नंबर इज दैट फर्स्टली द कंस्ट्रक्शन एंड कमिश्निंग ऑफ द न्यू स्टेशन ओके यू शुड राइट दिस एंड आफ्टर दिस आई विल मेक सम पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू टू गेट हेम्स अबाउट दैट द कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग commissioning okay so many m's and s in the commissioning of the new station new stations is being undertaken in how many phases in

टेकआउट द पॉइंट्स नंबर वन ग्लोबल टेंडर वॉज़ रिलीज ग्लोबल टेंडर वॉज ऑर्गेनाइज एंड ग्लोबल टेंडर इज लाइक आई एम असाइनिंग यू द वर्क ओके अ वर्क एनी थिंग डैट कैन बी जैसे आपने मुझे अपनी प्रिपरेशन का काम असाइन किया है उस तरह से एक ग्लोबल टेंडर दिया जाता है ऑक्शन एक क्या आप ले सकते हैं नीलामी जिसे हिंदी में कहते हैं तो वहां पर जो है एक ग्लोबल टेंडर टाइप की चीज होती है जो जो आपको लगेगा ऑर्गेनाइजर है उसे लगेगा कि ये एकदम सफिशियंट है एकदम यही इस काम करने के लायक है एकदम अच्छे से कर सकता है तो उसे हम वो प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे और उसे एक डेडलाइन देंगे कि आपको इस डेट तक या फिर जो भी हमारा डेडलाइन हो मंथ ईयर तो आपको इस तारीख तक इस काम को कंप्लीट करना है दैट इज ग्लोबल टेंडर एंड बाय रिलीजिंग और ऑर्गेनाइजिंग अ ग्लोबल टेंडर दिस इज द फर्स्ट फेज एंड अ सर्विस प्रोवाइडर ओके एज आई हैव सेड अ सर्विस प्रोवाइडर इज आइडेंटिफाइड ओके सर्विस प्रोवाइडर मींस जो आपको सर्विस दे सके जैसा मैंने आपको बताया सर्विस प्रोवाइडर इज आइडेंटिफाइड

दिया नहीं गया है कि कौन से काम किए गए थे तो उसमें यह भी काम हो सकता है ग्लोबल टेंडर सर्विस प्रोवाइडर को आइडेंटिफाई करना और कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क करना ये सब जो है वो ऑस्ट्रल समर ऑफ 2010 तक ही कंप्लीट हो गए थे और एज दिस होल इज ओनली फर्स्ट फेज एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर सेकेंड फेज विच इज लॉन्गर देन दिस फेज नाउ दिस इज एक्टिविटीज फॉर द फेज टू वे आर इनिशिएटेड एट एन सी पी ओ आर एडोप्टिंग द सेम प्रोसीड्यूर ओके सर्विस प्रोवाइडर वाज आइडेंटिफाइड टू द ग्लोबल बाइडिंग द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज रिलेटेड टू फेज टू आर सेड्यूल्ड टू बिगिन ड्यूरिंग द हॉस्टल समर ऑफ ओके ओके यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि फेज वन से बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं और जब भी मैं इसे रीड कर रहा हूँ तो यू कैन स्किप दिस वीडियो डाउटलेसली आई विल नॉट से यू टू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड यू कैन स्किप दिस वीडियो इट इज़ योर चॉइस एंड द सेकेंड इज इस बार भी ग्लोबल टेंडर रिलीज किया गया और सर्विस प्रोवाइडर पहचाना गया सर्विस प्रोवाइडर एंड द थर्ड इज कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो हैं शुरू कर दिए गए वर्क्स वे इनिशिएटेड इन ऑस्ट्रेल ऑस्ट्रल ऑस्ट्रेल सम ऑफ 2011 आई थिंक जस्ट मिनट यस एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैसिलिटीज़ व्हिच विल बी प्रोवाइडेड इन द फेस टू एंड व्हिच आर आल्सो द पार्ट ऑफ फेस टू and these are uh, can i wipe it you can add the points in the this only second point okay okay now we will discuss the facilities such as ro systems ro systems first point is uh, construction of jt construction of jetty and here and equipping the station with the modern equipments, okay. Adding modern equipments, equipments, okay. Adding modern equipments and uh, Oh, 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 oh. Construction of communication and data receiving antennas. Okay. This is also a main thing. Construction of communication, communication and data receiving antennas. Data. रिसीविंग एंटीनाज स्टैब्लिशिंग अ मॉडर्न मेडिकल सेटअप ओके मेडिकल सेटअप बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं तो आप इसे मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए कि आपका एक्स्ट्रा टाइम ना जाए फिर हम लोग इसे साथ में समझेंगे विंड एंड सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम्स एंड नाउ आई हैम राइटिंग इट हेयर wind and solar power generating systems okay and the matlab matlab okay now we will discuss it as you can see all these things फर्स्ट इज़ आर सिस्टम्स फॉर वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटी जेटी को कंस्ट्रक्ट करना एंड द थर्ड इज़ मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ उसे ऐड करना एंड नाउ फोर्थ वन इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए डेटा रिसीविंग एंटीनाज जो इंडिया से आएगा या फिर जो भी डेटा हमें रिसीव करना है उसके लिए एंटीनाज को भी कंस्ट्रक्ट करना है और एक मेडिकल सेटअप जो कि हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में और यहाँ पर विंड एंड सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम्स जैसे वहाँ पर हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मेनली हमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट करना है जनरेट करना है हमारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सो पावर जनरेटिंग सिस्टम जो होगा वो विंड एंड सोलर रिसोर्सेज से होगा <coughs> और एक मेट लैब एम ई टी एल ए बी ओके अब चलिए हम लास्ट टॉपिक हमारा डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन का विच इज डिलीवरेबल्स डिस्कस अबाउट वॉट आर डिलीवरेबल्स एंड डिलीवरेबल्स इज मेनली द आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट वी हैव टेकन सो देयर आर थ्री थ्री आउटपुट्स द फर्स्ट वन इज अ मॉडर्न ईयर अराउंड रिसर्च बेस्ट भारती ओके भारती का आपको लोकेशन पता है तो आई विल ओनली Dashing it and sharing the location, okay. Larseman Hills, so or isse jo hua bo with living space and laboratory facilities, okay, when dedicated to the nation, uh, enhance India's presence and. visibility visibility of its polar program polar program okay these are the things जैसे कि अगर जाहिर सी बात है हम अगर अपने देश के लिए अंटार्कटिका में दूर जाकर एक रिसर्च स्टेशन करेंगे रिसर्च वर्कस में इन्हांस करने के लिए तो हमारे देश में जो भी इंडिया का प्रेजेंस है और विजिबिलिटी है कि हम पोलर प्रोग्राम में अपने आपको आगे बढ़ा रहे हैं इन्हेंस कर रहे हैं ये पता चलेगा और इसका प्रूफ मिलेगा सारी दुनिया को एंड सेकेंड नंबर इज़ द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दिस सब एनरोल रीजन विल ओके एंड हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर थ्री रिसर्च स्टेशन है तो एक सेकेंड वन है मैत्री पहला वाला जो था दक्षिण गंगोत्री वो डिसेबल हो गया है ड्यू टू सम आइस स्टॉम्स एंड स्नो स्टॉम्स सो द मैथ्री भी जो डेटा कलेक्ट करेगी और हमारे इस भारतीय स्टेशन से भी जो डेटा कलेक्ट होगा वो दोनों साथ में हमारे भारत के पोलर क्लाइमेट टू मॉनसून के कनेक्शन को स्टैब्लिश करेगा ये मैं लिख देता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है है ना द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दिस सब एरोल रीजन ओके जो भी डेटा कलेक्टेड किया जाएगा इस सब एरोरल रीजन जैसे और हम सभी जानते हैं जो आसमान में सेलेसियल प्ले ऑफ लाइट्स होते हैं तो उस रीजन से जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा विल सप्लीमेंट सप्लीमेंट मीन विल सपोर्ट

इंडिवर्स uh, इंडिवर्स का मतलब होता है ट्राइल्स प्रयास आप कोई भी चीज का प्रयास करते हैं आप ट्राई करते हैं किसी भी चीज़ को तो इंडिवर्स आप कह सकते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं आपकी वोकेबुलरी इनहेंस होगी और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ओके इंडिवर्स टू किस चीज़ का प्रयास तो टेलीकोम्युनिकेशन टेली कनेक्शन स्टैब्लिश uh, टेली कनेक्शन टेली कनेक्शन ऑफ पोलर क्लाइमेट क्लाइमेट टू मॉनसून, ओके मतलब जो मॉनसून है और जाहिर सी बात है कि अंटार्कटिका का क्लाइमेट जो है वो इंडिया के मॉनसून क्लाइमेट से बहुत ही डिफरेंट होगा तो इन दोनों के बीच में एक हम कनेक्शन जोड़ेंगे टेली कनेक्शन जिसे हम कहेंगे टेली कनेक्शन और इसे हम इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कैसे करेंगे जो इस मैत्री भारतीय स्टेशन का जो डेटा होगा वो मैत्री स्टेशन के डेटा के साथ एकूमुलेट किया जाएगा फिर उन दोनों को मिला करके हम इस प्रयास को कैरी ऑन करेंगे तो अब हम अपने आखिरी और लास्ट पर आ गए हैं ओके एंड दिस इज़ सेग ड दैट जो भारतीय स्टेशन है हमारा वो ओपन सी के पास है तो ओशनोग्राफिक रिसर्च को भी बहुत ही फ़ायदा होगा और एक आप समझ सकते हैं एक एज मिलेगा क्योंकि मैथ्री जो था वो लैंड सरफेस पे था आइस सरफेस पे था और वाटर बॉडीज से सी से थोड़ी दूरी पर था तो हमारे ओशनोग्राफिक रिसर्च को कैरी ऑन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी सो दिस इज हेयर

तो हमें एक बहुत ही बड़ा फायदा होगा यहाँ और ये जो स्टेशन है बींग क्लोज टू क्लोज टू इंटरनेशनल ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट क्या कर सकते हैं अगर अच्छे से डिटेल पढ़ना है तो वो तो करना ही पड़ता है हब्स ऑफ एज आई एम ट्राइंग टू राइट इट वेरी फास्ट यू कैन Uh, see it by skipping Russia and Romania. Okay. Uh, with these scar nations. And what is scar? This is a very important thing. Scientific committee. देर आर सो मेनी एम एंड सो मेनी टीज एंड सो मेनी ईज इन कमिटी ऑन एंटार्कटिक ऑन एंटार्कटिक रिसर्च रिसर्च नेशंस एक्चुअली ये जो है वो ओपीएनसी के पास है वो तो मैंने आपको बता दिया और ये ओपीएनसी के पास होने से इसके एक फायदा है के कमिटी है स्कार साइंटिफिक कमिटी ऑन एंटार्कटिक रिसर्च ये एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं एक कमिटी है जिसमें जिन लोगों को भी जिन नेशंस को भी रिसर्च करना रहता है एंटार्क्टिका में तो वो इस ट्रीटी को साइन करते हैं इनके साथ तो जैसे ऑस्ट्रेलिया चाइना रशिया और रोमानिया और भी बहुत सारे नेशंस ने ये ट्रीटी साइन की है लेकिन ये हमारा भारतीय स्टेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया चाइना रशिया और रोमानिया के क्लोज है तो एक काम ये भी हो सकता है कि साइंटिफिक कोऑपरेशंस जैसे रिसर्च में ये लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे डेटा शेयरिंग कर पाएंगे ये सब बहुत ही फायदेमंद चीज़ें हैं तो आज का सेशन यहीं पे हम मीन करते हैं कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई हो अंडरस्टैंडिंग में तो आई विल ट्राई टू कवर इट एंड मेक यू अंडरस्टैंड इट एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक लीव ओके गाइज बाय